हर साल एक नया सिंगिंग स्टार चुनने वाले म्यूजिक रियलिटी शो इंडियन आइडल के 12वें सीजन के विनर उत्तराखंड के पवनदीप राजन बने थे। पवनदीप राजन को इनाम में लाखों रुपए और चमचमाती कार मिली थी। और इसके पहले साल 2015 में पवनदीप ने एक और म्यूजिक रियलिटी शो द वॉइस इंडिया भी जीत रखा है। इंडियन आइडल के 12वें सीजन के फाइनल मुकाबले में उन्होंने अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले, मोहम्मद दानिश, निहाल और सन्मुख प्रिया जैसे दिग्गज गायकों को पीछे छोड़ा था। और अब पवनदीप ने कहा है कि ये जीत चंपावत जैसे छोटे शहरों में रहने वाले सपनों की बड़ी जीत है। और वे युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि कुछ कर दिखाने के लिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और फिर उन सपनों को सच करने के लिए दिन रात की मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। वहीं इंडियन आइडल के 12वें सीजन की शुरुआत से ही पवनदीप राजन ने अपनी सिंगिंग का असर दर्शकों पर छोड़ना शुरू कर दिया था। पवनदीप राजन ने अपना पूरा ध्यान अपनी सिंगिंग पर बनाए रखा और पवनदीप सभी तरह के वाद्य यंत्र एक जैसी कुशलता से बजा लेते हैं। और खुद पवनदीप भी गिनती नहीं कर पाते हैं कि वह कितने तरीके के वाद्य यंत्र बजा लेते हैं। पवनदीप ने कहा कि संख्या का तो पता नहीं, लेकिन जो कुछ सामने आता है वे उसे बजा लेते हैं। और जब वे छोटे थे तो वे अपने पिताजी के साथ एक प्रोग्राम करने गए थे और वहीं मंच पर उन्हें तबला बजाने का मौका मिला। तबला ढोलक होते हुए तब से वे काफ़ी सारे वाद्य यंत्र बजाते आए हैं और दुनिया के तमाम देशों में अपने सोच से वाहवाही लूट चुके पवनदीप के पिता सुरेश राजन उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक हैं और उनकी बहन ज्योति दीप राजन भी एक सिंगर हैं और अपनी बहन को वह लगातार खूब कड़ी मेहनत करने की सीख देते हैं। पवनदीप ने कहा कि उनकी कामयाबी में उन सभी लोगों का हाथ रहा है जिन्होंने उन्हें प्यार दिया है और समय समय पर उन्हें संगीत के सुर सिखाए हैं। संगीत को पूरी तरह सीखे बिना मंच पर आना ठीक नहीं है और उनकी बहन भी इस रियलिटी शो का ऑडिशन देना चाहती थी, लेकिन पवनदीप ने अपनी बहन से कहा कि अभी उसे और तैयारी की ज़रूरत है। बिना पूरा ज्ञान और रियाज किए मंच पर आना ठीक नहीं है।